Wild Fairy Tales. एक बार एक छोटे और शांत गांव में हैरी और कोल नाम के दो पड़ोसी रहते थे। वो दोनों शिकारी थे। हैरी एक दयालु और मेहनती आदमी था। वो अपनी कोमल और सुंदर पत्नी जोसेफीन के साथ रहता था। वो भी उससे दिल से प्यार करती थी। हर दिन हैरी जंगल में लकड़ी काटने और जानवरों का शिकार करने जाता था। उसके पास सम्मानजनक धैर्य था। वो शिकारियों का शिकार करने और उन्हें मार गिराने के लिए दिन भर स्थिर रुका रह सकता था। इस बीच कोल उसका पड़ोसी एक लाचार पंजूस आदमी था और उसकी पत्नी भी वैसे ही थी। जब भी वे एक साथ शिकार करने जाते, कोल छिपकर हैरी की कुछ उपलब्धियां ले लिया करता और उसे ऐसे स्वीकार करता जैसे कि वो उसके हो। हैरी को पता था, लेकिन वो कोल के गौरव को बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने उसे जाने दिया। क्या आप मुझे केक बनाने के लिए कुछ आटा उधार दे सकते हैं? जैसे ही हैरी वापस आएंगे, वैसे ही हम आपको वापस कर देंगे। हमारे पास लंबे समय से आटे की कमी चल रही है। हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास उधार देने के लिए कुछ भी नहीं है। जोसेफीन उदास होकर घर वापस चली आई। कोल और जियाना इतने कंजूस थे। एक दिन अन्य दिनों की ही तरह हैरी जंगल जाने वाला था। ये केक का एक थैला है जिसे मैंने अभी तैयार किया है, इसे अपने साथ रास्ते पर ले जाओ। धन्यवाद प्रिये, तुम मेरे लिए कितना सोचती हो। ये केक वाकई स्वादिष्ट लगते हैं। हैरी ने पूरी सुबह कड़ी मेहनत की, फिर वो जल्दी थकने लगा। वाह, क्या दिन था। इस पेड़ का तना आराम करने के लिए आदर्श स्थान लग रहा है। वो उस पेड़ के नीचे एक लड़के की तरह सो गया और उसके केक बाहर गिर गए। स्वादिष्ट केक उसके चारों तरफ पड़े हुए थे। केक की स्वादिष्ट गंध ने भूखे बंदरों की टुकड़ी को आकर्षित किया, लेकिन हैरी इससे पूरी तरह अनजान था। देखो मेरे दोस्तों, ये पके हुए केक बहुत स्वादिष्ट है। इनका स्वाद बहुत ही शानदार है, वे भी सही समय पर जब हम इतने भूखे थे। ये केक इस आदमी के आसपास गिरे हुए हैं, ये इसके ही होने चाहिए। हालांकि अगर इसने हमें यहाँ से भगा दिया तो क्या होगा। अंत में वे स्वादिष्ट पके हुए केक के आकर्षण को देखकर खुद को रोक नहीं सके। सबसे साहसी बंदर करीब गया और खाने के लिए एक केक लिया, लेकिन हैरी गहरी नींद में सोता रहा। बंदर अब अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे थे। वो बारी बारी से हैरी के करीब आए और खाने के लिए केक ले लिया। ये देखकर कि हैरी हिल नहीं रहा, उनको अब कोई डर नहीं था। वे हैरी के चारों ओर इकट्ठे हुए और खुशी से एक दूसरे से बात करने लगे और केक खाने लगे। इन आवाजों से हैरी जग गया। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, बंदर की एक टोली, उन्होंने मेरे सारे केक ले लिए। जब बंदरों ने थैले के सारे केक खत्म कर दिए तो उन्होंने अचानक हैरी को हैरानी से देखा। बेचारे वे, उन्हें कितनी भूख लगी होगी। उन्हें बस केक का ये थैला चाहिए। एक दिन के लिए खुद को भूखा रखना वास्तव में बड़ी समस्या नहीं है। बंदरों को खुशी से उसके केक खाता देखकर हैरी को उन पर दया आ गई। अरे, हमने उसके सारे केक खा लिए और हमने बात भी की और इतनी जोर से हंसे भी, उसने हमें यहाँ से भगाया क्यों नहीं? हाँ, ऐसा क्यों है? ओह, मैं समझ गया, वो इंसान नहीं, वो हमारे बंदर के देवता की मूर्ति है। वह जानता था कि हम इतने दुखी थे, उसने हमें स्वादिष्ट केक का एक बड़ा थैला दे दिया। धन्यवाद मेरे भगवान, हमारे बंदर के महान देवता। वो सभी हैरी के आगे ऐसे झुक रहे थे जैसे वो असली भगवान हो, ये सोचकर कि वास्तव में ये दिलचस्प है। वो अभी भी वहीं जमा खड़ा रहा। इस बंदर की टोली ने मुझे अपना भगवान माना, ये दिलचस्प है। हमारे देवता की मूर्ति यहाँ क्यों रखी गई है? हो सकता है कि वे सभी चीजों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। जंगल के बीच में इन्हें यहाँ छोड़ना बहुत ही अपमानजनक है। ये सही है, चलो उसे एक साथ हमारे पवित्र पर्वत पर ले चले। टुकड़ी के सभी बंदर उनके नेता से सहमत थे। जब वे इकट्ठे हुए और हैरी को उठाकर वापस अपने पवित्र पर्वत पर ले गए, हैरी खुद को रोक नहीं सका। हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने हमें अभी आशीर्वाद दिया है।
हैरी खुद को रोक नहीं सका, पर वो बंदरों से मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसने मूर्ति बने रहने का और बंदरों के स्तर के ऊपर पड़े रहने की कोशिश करी। लेकिन हमें इन्हें किस पर्वत पर ले जाना चाहिए? वो बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने हमें केक का बड़ा थैला दिया, हम इन्हें स्वर्ण पर्वत पर रखेंगे। स्वर्ण पर्वत, वो कहाँ है? लंबे रास्ते के बाद बंदर टुकड़ी ने आखिरकार हैरी को एक पहाड़ पर पहुंचा दिया। चारों ओर चमचमाती हुई सुनहरी सलाखें थी। इसने हैरी को आश्चर्यचकित कर दिया। टुकड़ी ने उन्हें पहाड़ की चोटी पर सबसे पवित्र स्थिति में रखा। उन सभी ने अपने भगवान को नमन किया। सोने की सलाखें रखने वाले बंदरों ने हैरी को बारी बारी से श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोने की सलाखें उसके पैर के नीचे रख दी। ये बंदरों की सबसे पवित्र विधि है। विधि समाप्त करने के बाद वे एक साथ वहाँ से चले गए। उनके जाने की प्रतीक्षा में हैरी खुशी से उनके चारों ओर पड़ी सोने की सलाखें देखता रहा। मैंने अपने जीवन में इससे पहले इतना सोना कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर का सोना यहाँ पहले से मौजूद हो। हैरी ने खुशी खुशी सोने की सलाखें अपने थैले में भर ली और फिर उसने सोने के पहाड़ से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया और घर लौट आया। हैरी ने जोसेफिन को पूरी कहानी सुनाई। सोने की सलाखें देखकर वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। ये एक चमत्कार है, कितना अविश्वसनीय भाग्य है। हैरी, हमें अपने घर के लिए कुछ नए सामान की आवश्यकता है। और हमें जश्न मनाने के लिए पार्टी भी करनी चाहिए। हम कोल और जियाना को आमंत्रित करेंगे। जब कोल और जियाना आए तो वो अपने पड़ोसी को इतना धनी देखकर चकित रह गए। मेरे भगवान, आप इन शानदार कपड़ों और गहनों को कहाँ से पा सकते हैं? और यहाँ तक कि ये शानदार दावत। हैरी और उसकी पत्नी ने खुशी खुशी उन्हें सारी कहानी बताई। कोल और जियाना को धक्का लगा। वे वास्तव में अपने पड़ोसी जैसा भाग्य चाहते थे, ईर्ष्या कर रहे थे। घर लौटने के बाद उन्होंने हैरी ने जो कुछ भी किया उसकी नकल करने की चर्चा की। आपको मेरे लिए केक का एक बड़ा थैला तैयार करना चाहिए। कल मैं उस बंदर की टुकड़ी से सोना लेने जंगल में जाऊंगा। ये थैले अपने साथ ले जाओ, आपको जितना हो सके उतना सोना लेना होगा और हम उनसे अधिक धनवान होंगे। जियाना केक बनाने के लिए जल्दी से किचन में चली गई। हालांकि केक से भरा हुआ थैला बनाने के बजाय कंजूस पत्नी ने फिर भी सोचना शुरू कर दिया। बंदर के उस टुकड़े के लिए केक से भरा हुआ एक थैला बनाना पूरी तरह से बेकार है। मुझे केवल केक का एक छोटा सा थैला ही बना देना चाहिए। अगली सुबह जियाना ने कोल को केक का एक छोटा थैला दिया और अपने पति से बाहर जाने के लिए आग्रह की। जैसा कि हैरी ने उसे बताया था, कोल ने वो पेड़ का तना ढूंढा जहाँ हैरी एक दिन पहले सो गया था। थोड़ी देर रुककर उसे इतनी भूख और थकान महसूस हुई। इतनी भूख लग रही है, मुझे उन बंदरों को अपने सारे केक क्यों देना है? ये बकवास है। जब तक मेरा पेट ना भर जाए तब तक मैं ये केक खा लेता हूँ और बचा हुआ केक उनको दे दूंगा। कोल ने केक को बाहर निकाला और उन्हें तब तक खाया जब तक उसका पेट नहीं भर गया। अंत में केवल 3 ही केक बचे थे। तब कोल ने खाना बंद कर दिया और उन्हें बंदरों के लिए छोड़ दिया। उसने पेड़ के नीचे सोने का नाटक किया और केक इधर उधर गिरा दिए। केक की महक ने एक बार फिर से टुकड़ी को आकर्षित किया। देखो, कुछ स्वादिष्ट केक फिर से। लेकिन आज सिर्फ 3 केक ही हैं। और एक और भगवान। टुकड़ी ने एक दूसरे को केक बांटना शुरू कर दिया, लेकिन केक इतना कम था कि उन्हें और भूख महसूस होने लगी। इसे खा लो मूर्ख बंदर, फिर मुझे खजाने तक लेकर जाओ। फिर भी ये भी देवता की एक मूर्ति है, चलो इसे एक साथ हमारे पवित्र पर्वत पर ले चलो। ये सही है, यही है, मुझे पवित्र पर्वत पर ले जाओ। अपने मुखिया की बात सुनकर बंदर कोल को उठाने के लिए इकट्ठा हुए और वापस उसे पवित्र पर्वत पर ले गए। हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने हमें अभी आशीर्वाद दिया है। चलो इसे पवित्र पहाड़ पर ले चलो। हमने कल सोने के पहाड़ में एक भगवान को रखा था। इसके अलावा ये भगवान कल के भगवान की तरह उदार नहीं है। उसने हमें सिर्फ 3 केक ही दिए। ठीक है, हम उसे चांदी के पहाड़ में रखेंगे। जैसे ही कोल ने सुना कि बंदर उसे चांदी के पहाड़ में रखना चाहते हैं, वो वास्तव में बेसब्र हो गया। वो अब शांत नहीं रह सका। क्या, चांदी का पहाड़? ये नामुमकिन है। मुझे स्वर्ण पर्वत पर बिठाओ, यहाँ स्वर्ण पहाड़ होना चाहिए। देवता को हिलते और जोर से चिल्लाते हुए देखकर बंदर इतना भयभीत हो गए कि वे अलग अलग दिशाओं में भागने लगे और कोल को नदी में गिरा दिया। वहाँ कोई है, कृपया मेरी मदद करो। घर पर कोल के इतने लंबे समय से वापस न आने के इंतजार में जियाना को हैरी और जोसेफिन की मदद के लिए पूछना पड़ा। सब साथ मिलकर जंगल में जगह जगह तलाश करते रहे। सौभाग्य से वे डूबने से कोल को बचा पाए।
मेरी मदद करो कृपया। कोल चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। हैरी द्वारा बचाए जाने के बाद कोल और उसकी पत्नी को वास्तव में शर्मिंदगी महसूस हुई। थैंक यू हैरी, जोसेफिन मैं बहुत लालची था लेकिन आप लोगों ने फिर भी मेरी मदद की। हमें क्षमा कर दे, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, हम पड़ोसी हैं और हम बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं, है ना? उस दिन से कोल और जियाना ने आखिरकार अपने लालच और कंजूसी को त्याग दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। हैरी और जोसेफिन के बारे में कहें तो उन्होंने अपने लिए एक आलीशान घर बनवाया, वो अमीर बन गए और हमेशा के लिए खुशी से साथ रहने लगे।